फिल्म की शुरुआत में हम चाइना के एक जंगल में एक जाइंट पाइथन स्नेक को देखते हैं, जो एक बेबी बोर को अपना शिकार बनाने वाला होता है। पर तभी कुछ मंकी वहां आ जाते हैं, जो उसे डिस्ट्रैक्ट करके उस बेबी बोर को उससे बचाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने साथ लेकर पाइथन से बचकर भागने लगते हैं। पर पाइथन भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और बहुत देर तक यूं ही उनका पीछा करता रहता है। पर आखिर में एक पांडा उसके सामने आ जाता है और पाइथन को सराफत से वहां से जाने को कहता है, पर वो पांडा की बातों को ना मानते हुए उसे अपने रास्ते से हटने को कहता है। इस पर पांडा उसे पकड़कर वहां से फेंक देता है। आखिर में पाइथन को हार मानकर वहां से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो पांडा से कहता है कि एक दिन वो उससे इसका बदला लेकर रहेगा। वो पांडा भी इस बात को हल्के में लेते हुए अपने वाइफ के साथ वहां से चला जाता है और यहीं से सीन चेंज होकर वहां से बहुत अधिक दूरी पर मौजूद एक दूसरे जंगल पर आता है, जहां मिक नाम के एक बियर को देखते हैं। और उसी जंगल में ऑस्कर नाम का एक हेयर भी रहता था, जो मिक को अपना दोस्त मानता था। पर मिक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे अपने घर के सामने ऑस्कर का भेजा हुआ एक पैम्फलेट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि आज वो रॉकेट लॉन्च के जरिए मून तक के सफर के लिए रवाना होगा और जंगल का सबसे पहला स्पेस ट्रैवलर बनकर दिखाएगा। पर मिक उसकी इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि ऑस्कर अक्सर यूं जंगल में अजीबोगरीब कारनामे करता रहता था। पर जंगल के कुछ जानवर रॉकेट लॉन्च के लिए जाने वाले होते हैं और वो मिक को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, पर मिक उन्हें इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। ऑस्कर को जब पता चलता है कि मिक उसे देखने नहीं आया है तो वो बहुत निराश होता है, पर फिर भी वो इसे भूलकर जुगाड़ से बनाए अपने लॉन्चर के जरिए वहां से उड़ जाता है। पर बिना किसी प्लानिंग के बनाने की वजह से वो लॉन्चर थोड़ी ही ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही ब्लास्ट हो जाता है और ऑस्कर ऊपर से गिरते हुए मिक के पास आ पहुंचता है। वहीं हम स्टोक्स की एक झुंड को देखते हैं और वो सभी अपने साथ एक बैग को कैरी करके जा रहे होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स के बेबीज थे और उन्हें उन बेबीज को अपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स तक पहुंचाना था। पर उन्हीं में कार्ल नाम का एक लापरवाह स्टॉक भी था। वो आसमान में हुए एक छोटे से इंसिडेंट के कारण नीचे आ गिरता है, पर चोट लगने की वजह से उसे समझ नहीं आता कि उसे इस बेबी को किसे डिलीवर करना था। तभी उसे अपने करीबी घर नजर आता है, जो असल में मिक का ही था, और कार्ल ज्यादा ना सोचते हुए उस बेबी को मिक के घर के सामने रखकर चला जाता है। दूसरी ओर ऑस्कर की बेवकूफी से मिक का बहुत नुकसान हो जाता है और साथ ही एक मधुमक्खी की झुंड भी उनके पीछे पड़ जाती है। किसी तरह से वो मधुमक्खियों से बचने में कामयाब रहते हैं, पर इस कारण से मिक को ऑस्कर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने घर वापस जाने को कहता है। पर उस ब्लास्ट के कारण ऑस्कर का घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकता था। उतने में उन दोनों को अपने सामने वही थैला नजर आता है, जिसे देखने पर वो पाते हैं उसमें एक बेबी पांडा था। वो उन्हें देखते ही बिना वजह ही रोने लगता है। मिक को बच्चों के रोने से बहुत चिढ़ होती थी, इसलिए वो ऑस्कर को उसे शांत करने को कहता है। ऑस्कर उसे कहता है कि शायद ये दूध के लिए रो रहा होगा, पर उनके पास दूध का कोई बंदोबस्त नहीं था, इसलिए वो थोड़े समय के लिए उसे नारियल पानी देकर शांत करते हैं। मिक को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो ऑस्कर को कैसे भी उसके पेरेंट तक पहुंचाने को कहता है, पर ऑस्कर अकेला ये नहीं कर सकता था। तब मैप के जरिए उन्हें पता चलता है कि पांडा चाइना के जंगलों में पाए जाते हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें इस बेबी को अपने असली पेरेंट तक पहुंचाने के लिए काफी लंबा सफर तय करना था। लेकिन मिक को एक शॉर्टकट रास्ता पता चलता है, इसलिए वो उसके थ्रू वहां तक जाने का तय करता है। ऑस्कर उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है, पर मिक पहले ही उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और अकेले ही नदी के रास्ते अपने मिशन के लिए निकल जाता है। पर थोड़ी देर चलने के बाद ही उसे पता चलता है कि ऑस्कर भी छुपते हुए उसके साथ ही आ चुका है। ये जानने के बाद मिक उस पर चिल्लाने लगता है और उसे वापस जाने को कहता है, पर ऑस्कर के जाते ही वह बेबी पांडा रोना शुरू कर देता है। इससे मिक बहुत इरिटेट होने लगता है, पर तब ऑस्कर उसे अपनी हरकतों से शांत कर देता है, इसलिए मिक उसकी इस एबिलिटी के कारण उसे अपने साथ चलने के लिए अलाउ कर देता है। दूसरी ओर हम ड्यूक नाम की एक पेलिकन को देखते हैं, जो हर समय बिना मतलब की बकवास किया करता था, और वहाँ भी वो कुछ बेबी डक्स को अपनी बहादुरी के झूठे किस्से बता रहा होता है। तभी उनकी मॉम आकर उसे वहाँ से भगा देती है, पर वहाँ से जाते समय उसे एक राफ्ट नजर आती है, जो असल में मिक की थी। वहीं मिक ऑस्कर को बोट संभालकर चलाने की जिम्मेदारी देकर खुद रेस्ट करने चला जाता है। तभी ड्यूक वहाँ आ पहुँचता है। उसे जब मिक और ऑस्कर के मिशन के बारे में पता चलता है, तब वो उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है, क्योंकि वैसे भी वो काम ना होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमता रहता था। मिक पहले तो उसे मना कर देता है, पर फिर से वो बेबी पांडा रोना शुरू कर देता है और ऑस्कर के चुप कराने के बाद भी वो शांत नहीं होता। पर जब ड्यूक उसे अपनी कहानियां सुनाना शुरू करता है, तो वो बेबी पांडा शांत हो जाता है। ये देखकर मिक उसे भी अपने साथ चलने के लिए अलाउ कर देता है और वो तीनों अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम जॉन्स नाम की एक वुल्फ को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है और वो जंगल के बीच अकेला होता है।
वह छोटी से छोटी आवाजों से भी बहुत घबराने लगता था और जब कभी भी वो घबराता था तब कुछ देर के लिए वो फ्रीज हो जाता था। साथ ही उससे अक्सर हेलुसिनेशन हुआ करते थे क्योंकि डर के कारण उसे अपनी ही तरह एक पर्सनैलिटी नजर आती थी जो असल में बस उसके मन का वहम था। उसके डर के कारण ही उसके झुंड ने उसे निकाल दिया था और डर के कारण क्रिएट हुई उसकी पर्सनैलिटी उसे और भी ज्यादा डराने की कोशिश करती थी। दूसरी ओर मेकर उसके दोस्त रात होने पर एक जगह रुककर आराम कर रहे होते हैं। उतने में जॉन्स अपनी उस पर्सनैलिटी से पीछा छुड़ाने के लिए भागते हुए मेकर उसके दोस्तों के पास आ पहुंचता है और उन्हें देखते ही डर के कारण वापस से फ्रीज हो जाता है। मेक के पूछने पर जॉन्स उसे अपनी सारी बातें बता देता है और बात बात में मेक भी उसे अपने मिशन के बारे में बता देता है। तब जॉन्स उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है क्योंकि वैसे भी जंगल में अकेला रहने के कारण उसे बहुत डर लग रहा था और मेक उसकी हालत पर तरस खाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सभी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। पर नदी के जरिए आगे बढ़ते समय अचानक स्मोग आने के कारण उन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आता और उनकी बोट भी चट्टान से टकराने लगती है। तब मेक ड्यूक को उस बेबी पांडा को अपने साथ लेकर जाने को कहता है पर तभी एक चट्टान से टकराने के कारण उनका राफ्ट टूट जाता है और पानी के बहाव के साथ बहते हुए वो नदी के किनारे आ पहुँचते हैं जिस वजह से वो आगे का रास्ता नदी के जरिए तय नहीं कर सकते थे और मिक को इस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वो बेबी पांडा भी रोने लगता है और मिक के शांत कराने के बाद भी वो चुप नहीं होता। तभी वहाँ एक टाइगर आता है जिसे देखकर मिक उसे खतरा समझने लगता है पर असल में वो टाइगर बहुत ही फ्रेंडली होता है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। उसका नाम मैक्सिम था और उसे कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसकी कविता सुनकर बेबी पांडा तुरंत चुप हो जाता है इसलिए मिक को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपनी सारी कहानी बताते हुए उसे भी अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। मैक्सिम उसकी बात मान जाता है और वो सभी जंगल और डेजर्ट से होते हुए साउथ चाइना के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मिलता है और उन्हें उसके पार जाना था। ड्यूक तो बेबी पांडा को अपने साथ लेकर उसे बड़ी आसानी से पार कर लेता है और मिक बाकी सभी को एक एक करके उसके पार फेंक देता है और आखिर में ड्यूक की मदद से मिक भी उस वॉल को पार कर जाता है और इस तरह से वो साउथ चाइना के जंगल तक तो पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचकर वो आगे बढ़ने से पहले थकान के कारण थोड़ा आराम करने का तय करते हैं पर तभी वो देखते हैं वो बेबी पांडा अपने पैरों पर खड़ा होते हुए आगे जाने लगता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद उसे अपने घर का आभास हो चुका है और इसलिए वो अपने घर की तरफ जा रहा है। पर उतने में वो एक हाथी के बहुत बड़े झुंड को अपनी तरफ आता देखते हैं। किसी तरह से वो खुद को और बेबी पांडा को उनसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं पर अब तक शाम हो चुकी थी इसलिए वो रात गुजारने के लिए एक जगह ढूंढकर वहाँ सो जाते हैं और मिक भी ऑस्कर को बेबी पांडा की जिम्मेदारी देकर सो जाता है। पर उसी जंगल में वो पाइथन रहता था जिसे हमने शुरू में देखा था। वो जब बेबी पांडा को उनके पास देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये उसी पांडा का बच्चा है जिससे उसकी दुश्मनी थी इसलिए उसे पांडा से अपना बदला लेने का ये सही मौका लगता है। इसलिए जिस दौरान बाकी सभी सो रहे होते हैं उतने में पाइथन बेबी पांडा को बिना किसी को पता चले उठा लेता है। मिक की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि बेबी पांडा अपनी जगह से गायब था इसलिए वो बाकी सभी को जगाता है और ऑस्कर से बेबी के बारे में पूछता है। ऑस्कर भी ये जानकर बहुत शॉक्ड होता है और हैरानी के साथ उसे अपने आसपास ढूंढने लगता है पर उसे बेबी कहीं नहीं मिलता इसलिए मिक ऑस्कर पर इसका ब्लेम डालने लगता है और ऑस्कर पर बहुत गुस्सा करने लगता है। और जब बाकी सभी मिक को समझाने की कोशिश करते हैं तब वो उन्हें भी बुरा भला बोलने लगता है और गुस्से में सभी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। ऑस्कर को भी उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है इसलिए वो भी अपने रास्ते जाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद ही दोनों को समझ आता है कि वो अपने मिशन के इतने करीब पहुंचकर इस तरह से नहीं जा सकते इसलिए वो वापस उसी जगह आ जाते हैं और वापस से एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। तभी वहां तीन मंकी जा जाते हैं जो उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि बेबी को एक बहुत बड़ा स्नेक उठा कर ले गया है। ऑस्कर को उसकी बात समझ आ जाती है। ये सुनने के बाद जॉन्स बहुत डरने लगता है पर मिक उन्हें उस पाइथन तक पहुंचाने को कहता है। दूसरी ओर पाइथन बेबी को अपने केव में ले आया था जहां वो बेबी डर के कारण रो रहा था और पाइथन उसे अपना दावत बनाने वाला होता है। पर उतने में वो केव के बाहर किसी की आवाज़ सुनता है इसलिए वो उसे देखने जाता है पर बाहर उसे ऑस्कर और ड्यूक नजर आते हैं जो जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी बुराई कर रहे होते हैं। ये देखकर वो पाइथन उन पर अटैक करने की कोशिश करता है पर ऑस्कर और ड्यूक सही समय पर अपनी जगह से हट जाते हैं और वो चट्टान से टकरा जाता है। इसके बाद सभी एक साथ मिलकर उस पाइथन का सामना करने लगते हैं पर जॉन्स डर के कारण एक ही जगह फ्रीज हो जाता है। वही बाकी सभी पाइथन से फाइट करने में बिजी होते हैं। इस बीच ड्यूक मौका पाकर केव में बेबी को लेने चला जाता है। जॉन्स हिम्मत करके अपने दोस्तों का साथ देने की कोशिश करता है पर वापस से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं
और उसका डर उसे ये कहकर डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है कि वो बहुत कमजोर है और उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर जॉन्स उसकी बातों में नहीं आता और समझ जाता है कि ये बस उसके मन का वहम है। वो उसकी सारी बातों से इनकार कर देता है और एट लास्ट हिम्मत करके अपने डर पर काबू कर लेता है और फिर वो अपने दोस्तों को पाइथन का सामना करने में साथ देता है और फाइनली सभी के कोशिश के आगे पाइथन को हार मानना पड़ता है और वो उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। तभी ड्यूक भी बेबी को अपने साथ लेकर केव से बाहर निकल आता है। मिक और बाकी सभी उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। मिक भी ऑस्कर से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर वो पांडा कपल स्टॉक के आने का वेट कर रहे होते हैं। उड़ने में उन्हें किसी की आवाज सुनाई पड़ती है जो असल में मिक और उसके दोस्त ही होते हैं। वो बेबी पांडा के साथ वहाँ पहुँच आए थे। वो कपल अपने बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सभी को इसके लिए शुक्रिया करते हैं। इसके बाद मिक और ऑस्कर बेबी से आखिरी बार मिलकर अपने घर लौटने के लिए निकल जाते हैं और बाकी के उनके दोस्त भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।